मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एटा जिला प्रशासन हरकत में आया है। अधिकारियों ने जिले में खाली पड़े चरागाह को चिन्हित कर निराश्रित गौवंशों के लिए आश्रय स्थल बनाने का फैसला लिया है। निराश्रित गौवंशों के लिए अस्थायी रूप से बनने वाले इन आश्रय स्थलों का काम 10 जनवरी तक पूरा होना है। इसके अलावा आज से ही जिला प्रशासन ने आदेश पारित कर खुले में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर पहले से बनी गौशालाओं में रखने का आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, जो लोग अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं उन पर 1,000 के जुर्माने का नियम भी बना दिया है। विगत दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी के वीसी में और उसके क्रम में जो शासनादेश दिया गया उसके क्रम में हम लोग एक बड़ी गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय 12 हेक्टेयर जमीन गोचर भूमि हम लोग संरक्षित कर रहे हैं और उसके समीप ही अकबरपुर ग्राम सभा। गोवंश हमारे किसानों की हरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे उनको राहत मिलेगी। दूसरे, जो हम निराश्रित गोवंश को व्यवस्थित करेंगे तो उनके गोबर आदि से हम लोग वहीं वर्मी कंपोस्ट बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं और वहीं पर हम लोग उनके गोमूत्र आदि से जो खाद बनेगी वहीं पे बरसीम उगाने का कार्रवाई करेंगे, जो उनके खाने के साथ साथ व्यावसायिक उपयोग में भी आएगी। इस तरह से छोड़ेगा और उसको बंद किया जाएगा तो 1,000 रुपये पेनल्टी ली जाएगी और 100 रुपये प्रतिदिन जितने दिन वो वहाँ बंद रहेगा उस पर उसके खाने के खर्च के रूप में उससे लिया जाएगा।